हाय, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशंस भी वेल एंड गुड चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट आउट हुई है आपको बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। आपका ऑफिशियल जॉब रहने वाला है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। फ्रेंड्स, वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आपकी आउट हो चुकी है, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज की लिमिट क्या रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम की पैटर्न, एग्ज़ाम डेट प्लस आपको जो इनिशियल इनहैंड सैलरी मिलता है, सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी आउट हुई है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको 379 रहने वाला है। तो चलिए मैं कैटेगरी वाइज आपको बता दूँ कि कितना कितना सीट रखा गया है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 155 सीट्स है, बीसी के लिए 34, ओबीसी के लिए 60, फीमेल ओबीसी के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 32, एससी के लिए 51 और एसटी के लिए यहाँ पे 4 सीट्स रखा गया है। ये वैकेंसी आपको जो है इंक्रीज भी किया जा सकता है, तो आप लोग एक बार फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेना। सो चलिए अब हम पोस्ट वाइज आपको बता देते कि पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसी की क्या डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए आपकी 1 सीट है, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 3 सीट है, इलेक्शन ऑफिसर के लिए 4 सीट्स है, रीड ऑफिसर के लिए 2 सीट्स है, बिहार एजुकेशन सर्विस के लिए 2 सीट्स है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 10 सीट्स रखी गई है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी के लिए 1 सीट्स है, सुपरिटेंडेंट प्रोहिबिशन के लिए 2 सीट्स रहेंगी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर की 6 सीट्स है, ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर के लिए 29 है, रेवेन्यू ऑफिसर की 168, वेलफेयर ऑफिसर के लिए आपका यहाँ पे 18 है एंड आपका फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 100 सीट्स रखी गई है। सो फ्रेंड्स, आपका जो इम्पॉर्टेंट डेट रहने वाला है वो आपका फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुका है कल यानी कि 15 जुलाई 2023 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 5 अगस्त 2023 रहने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दिया गया कि आपका जो प्री का पेपर है वो आपको September 2023 में कंडक्ट करा लिया जाएगा एंड जो डेट है ना एग्जाम का वो आपका 30 September 2023 रहने वाला है। सो इस डेट को ना आप कहीं पे लिख के दीवार पे चिपका लो ताकि आपको ना याद रहे ये डेट और आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा स्पीड अप करके कर पाओ। सो अब बारी आती है फॉर्म की फी की। तो यहाँ पे जनरल ओबीसी एंड अदर स्टेट के कैंडिडेट से 600 रुपीज़ लिया जा रहा है, वहीं अगर आप एससी एसटी एंड आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हो तो आपसे 150 रुपीज़ लिया जाएगा एंड अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो और आपका डोमिसाइल बिहार है तो भी आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ ही लगने वाला है। एंड फ्रेंड्स, आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपने कोई सा भी स्ट्रीम ले रखा था, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इट डजेंट मैटर फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएट हो तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। अब बारी आती है एज लिमिट की। तो सो फ्रेंड्स, योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 अगस्त 2023 और आपका जो पोस्ट वाइज जो मिनिमम एज है ना वो डिफर करने वाला है, जैसे कि 20, 21 और 22 साल वो पोस्ट वाइज डिपेंडेबल है, तो आप एक बार नोटिफिकेशन देख के ही अपने अकॉर्डिंग आप फॉर्म को अप्लाई करना। जो मैक्सिमम एज है वो हर कैटेगरी के लिए अलग है, जैसे कि आपको जनरल के लिए मेल का है 37, फीमेल के लिए है 40 ईयर्स और आपका बीसी और ओबीसी मेल एंड फीमेल के लिए 40 ईयर्स है, वहीं पे एससी एसटी मेल एंड फीमेल के लिए भी आपको 42 ईयर्स रहने वाला है एंड आपको रिलैक्सेशन जो है एज पर द बीपीएससी रूल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे।
तो इतना सब कुछ जानने के बाद फ्रेंड्स आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, मैं ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं फुलफिल कर रहा हूँ कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है 3 मेजर स्टेज पे आपका यहाँ पर डिपेंडेबल होने वाला है। फर्स्ट आपका प्रीलिमरी एग्जाम होता है, यानी कि प्री एग्जाम होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस का पेपर होता है जो कि रिटन डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। देन आपकी इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाती है। ऑब्वियसली ऑफिशियल जॉब है तो यहाँ पे आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होना बहुत जरूरी है, इसके लिए यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है। सो, अगर इंटरव्यू में पास आउट हो जाते हो आप तो आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, और आपका मेरिट लिस्ट जो बनता है फ्रेंड्स आपका मेंस प्लस में आपका इंटरव्यू का मार्क्स कैलकुलेट करके प्री बस क्वालिफाइंग होता है। तो आइए मैं आपको एग्जाम की पैटर्न बता देती हूँ। आपका प्री का जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन होता है 100 मार्क्स के लिए, एंड 2 आवर्स का आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता है। OMR बेस्ड एग्जाम होता है, माने रिटन एग्जाम होगा आपका, ऑफलाइन होगा, पेन एंड पेपर बेस्ड। और यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज के फ्रेंड्स आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो मेंस का पेपर होता है उसमें जनरल हिंदी आपकी क्वालिफाइंग होती है 100 मार्क्स के लिए, 3 आवर्स का पेपर होता है। जनरल स्टडीज पेपर 1 300 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का रहेगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 300 मार्क्स के लिए, 3 आवर्स का। ऑप्शनल का भी पेपर होता है 300 मार्क्स के लिए, 3 आवर्स का। सो, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका जो मेरिट डिसाइड करेगा वो आपका मेंस का मार्क्स प्लस आप जो इंटरव्यू में आप करोगे वो आपका मेरिट डिसाइड करेगा। सो, बेसिकली फ्रेंड्स मैंने आपको ओवरऑल डिटेल बता दी है, और इतना तो पता होगा कि BPSC की जॉब है तो बिहार में ही पोस्टिंग होनी है, और बहुत अच्छी ऑफिशियल जॉब है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए जो इनिशियल इन हैंड सैलरी रहने वाली है 61,500 टू 72,000 के बीच में रहेगा, अच्छी खासी इंक्रीमेंट होगी। और आपका जो एक होता है ना कि लेवल जो होता है लाइफ का लेवल, आपका जॉब का लेवल, हर कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा इसको ज्वाइन करने के बाद। तो अभी से आप लोग लग जाओ तैयारी में, क्योंकि एग्जाम जो है वो आपका 30 सितंबर को कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स मैं आपको जो प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ रहा है आउट ऑफ 150 नंबर कैटेगरी वाइज मेल एंड फीमेल दोनों के लिए क्लियर कर देती हूँ। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मेल का 113 गया है लास्ट ईयर का कट ऑफ, फीमेल के लिए 109 मार्क्स। EWS मेल के लिए 109, फीमेल के लिए 105। SC मेल के लिए 104 एंड फीमेल के लिए 93। ST मेल के लिए 100 एंड फीमेल के लिए 96। EBC मेल के लिए 109 एंड फीमेल के लिए 102। BC मेल के लिए 105 एंड फीमेल के लिए भी 105 ही गया था। सो, आई होप कि मैंने जो कुछ भी डिटेल आपको बताया है BPSC रिक्रूटमेंट 2023 यानी कि 69वीं BPSC प्रीलिम्स एंड मेंस के रिगार्डिंग ओवरऑल आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर इसे समझने में कोई सी भी दिक्कत है फ्रेंड्स तो मैं इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी देख सकते हो। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में आके पूछ लेना, मैं आपके क्वेरीज को वहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और फ्रेंड्स अगर आप और भी ज्यादा मुझसे कनेक्टेड होना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो, मेरा फेसबुक पेज है, सबका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, जाओ और वहां से फॉलो कर लो। एंड फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर करना। सो, मिलती हूँ आपसे फिर से न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।